चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मूक पशुओं को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के दावे राजस्थान के सबसे बड़े पशु चिकित्सालय जयपुर में पांच बस्ती स्थित पॉली क्लिनिक में टूटते नजर आए, जहां एक और पॉली क्लिनिक से अधिग्रहण कर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को दी गई भूमि पर नए सैटेलाइट अस्पताल की आधारशिला रखी जा रही है, तो वहीं मूक पशुओं की सुध लेने वाला कोई नहीं है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में सैटेलाइट अस्पताल बनाए जाने की घोषणा की थी, जिसकी पालना में पॉली क्लिनिक की तकरीबन 4000 वर्ग मीटर भूमि सैटेलाइट अस्पताल के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को सौंपी गई थी। भूमि अधिग्रहण से पॉली क्लिनिक के ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी और एक्सरे रूम को तोड़ दिया गया। जगह नहीं रही तो पशु चिकित्सकों ने कॉरिडोर में ही टेबल लगाकर पशुओं का इलाज करना और विश्राम गृह में बैठकर पर्ची काटना शुरू कर दिया। ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर का सामान एक कमरे में स्टोर कर दिया गया, लेकिन जगह नहीं होने से केवल इमरजेंसी वाले ऑपरेशन ही हो रहे हैं, वो भी खुले में। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट में पॉली क्लिनिक के लिए 10 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की थी, जो अभी तक पॉली क्लिनिक को नहीं मिल सके हैं। पॉली क्लिनिक प्रशासन इस राशि के इंतजार में है, जिससे यहां की दशा में सुधार किया जा सके।